हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द कैसे करे टैक यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो मैं आप लोगों को एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही उसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं कि जब कभी भी आप अपने फ़ोन से गैलरी में रखे किसी फ़ोटो को डिलीट कर देते हैं और बाद में आपको ध्यान आता है कि यार वो तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ोटो था, तब उस फ़ोटो को हम वापस कैसे ला सकते हैं, यानी कि उस फ़ोटो की रिकवरी किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप भी उस फोटो की रिकवरी के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे, इसके लिए हमें किस एप्लीकेशन का यूज़ करना होगा, तो हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अपने मोबाइल में गैलरी से डिलीट हुए फ़ोटोज़ की रिकवरी करना सीखते हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने फ़ोटोज़ के अंदर चले जाता हूँ, ये मेरा गैलरी है। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे सामने कुछ फ़ोटोज़ है। अब मैं इन फ़ोटोज़ को अगर सपोज कर लीजिए यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ से एक फ़ोटो डिलीट किया, ये मैंने दूसरा किया, ये मैंने तीसरा कर दिया और ये मैंने चौथा फ़ोटो भी यहाँ से डिलीट कर दिया। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर जो है चार फ़ोटोज़ को डिलीट किया है। अब मैं इनको रिकवर करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग ओप्पो मोबाइल यूज़र है तो इसमें आपको जो है फ़ोटोज़ को रिकवरी करना बहुत ही ईजी बन जाता है, क्योंकि आप 30 दिन के अंदर डिलीट हुए फ़ोटोज़ को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली जो है एल्बम सेक्शन में चले जाना है। एल्बम में जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और लास्ट तक स्क्रॉल डाउन करते ही जाना है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आप लोगों को रिसेंटली डिलीटेड के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने वो चारों फ़ोटो दिखाई देंगे जो कि आप लोगों ने अभी डिलीट किए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों फ़ोटोज़ आपको यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं। अब आपको अगर वापस इन्हें गैलरी में रिटर्न लाना है तो आप सिंपली रीस्टोर के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और रीस्टोर फोर फोटोज़ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख पाएंगे कि वो फ़ोटोज़ यहाँ से जो है वो गायब हो चुके हैं। अब वो गए कहाँ पर हैं, वो वापस से पहुँच चुके हैं आपकी गैलरी के अंदर। ये देखिए जरा दोस्तों कि ये जो चारों फ़ोटोज़ मैंने यहाँ से डिलीट करके आपको बताए थे, ये चारों फ़ोटोज़ वापस से गैलरी के अंदर आ चुके हैं। तो पहला तरीका दोस्तों ये जो है मोस्टली टाइम ओप्पो एंड वीवो मोबाइल यूज़र्स के लिए काम में आएगा। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लोगों के मोबाइल में ऐसा रिसेंटली डिलीट को रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए आपको सिंपली जो है वो प्ले स्टोर को ओपन करना होगा, डिस्क डिगर फोटो रिकवरी ऐप को डाउनलोड कर लेना है और इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक दिया है, आप वहां से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में सिंपली आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दो तरीके के दिए हुए हैं ऑप्शन, एक तो बेसिक स्कैन और दूसरा जो है फुल स्कैन। यहाँ पर सिंपली स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे मीडिया की परमिशंस अलाउ करने के लिए कहा जाएगा, तो आप इसने अलाउ कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बिना जो है वो स्कैनिंग की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ये एप्लीकेशन वन बाय वन आपकी गैलरी के सारी चीज़ें या फिर कहें कि फाइल मैनेजर की सारी चीज़ों को स्कैन करना स्टार्ट करेगा और चेक करेगा कि आपने अभी तक क्या डिलीट किया है। सो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे मोबाइल में जो है वो एप्लीकेशन की स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सिंपली उन फ़ोटोज़ को मार्क कर लेना है जिन्हें आप रिकवर करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है एक फ़ोटो को अपना सिलेक्ट कर लिया है, आपको उन सभी फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली रिकवर के बटन पर क्लिक कर देना है और फिर आपको जो है सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ताकि आपका फ़ोटो जो है वो आपकी गैलरी में डाउनलोड हो सके। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो फ़ोटो है वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर जा रहा है। आप चाहें तो इसकी लोकेशन को राइट साइड में दिख रहे थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से न्यू फोल्डर क्रिएट करके चेंज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली डाउनलोड फोल्डर के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलाउ एक्सेस टू डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है और इसे अलाउ कर देना है। आप देख सकते हैं कि ये जो फोटोज़ जो है वो सक्सेसफुली रिकवर हो चुके हैं, मुझे नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है और साथ ही मुझे यहाँ पर नोटिफिकेशन दे रहा है कि डिस्क डिगर का आप अगर जो है प्रो वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो इसे अपग्रेड करना होगा। अगर आप इस एप्लीकेशन का अपग्रेडेड वर्जन फ्री में पाना चाहते हैं तो आप हमसे पर्सनली इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं उस एप्लीकेशन का लिंक आपको दे दूँगा। अब दोस्तों मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि वो फ़ोटोज़ वाकई में रिकवर हुए या नहीं। तो मैं चलता हूँ सिंपली फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर में जाने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ फ़ोन स्टोरेज के अंदर। अब मैंने आपको कहा था कि डाउनलोड फोल्डर, तो ये रहा मेरा डाउनलोड फोल्डर और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फ़ोटोज़ मैंने सिलेक्ट करे थे वो आपको यहाँ पर देखे जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है बड़ी आसानी से किसी भी फ़ोटोज़ को रिकवर कर सकते हैं।
अब दोस्तों अगर हम बात करें तीसरे तरीके की, तो तीसरा तरीका ये है दोस्तों कि आपको ये तो पता ही होगा कि गूगल हमारे फ़ोन के अंदर पूरा कंट्रोल रखता है, इसलिए यहाँ पर जो है एक फ़ोटोज़ के नाम से एप्लीकेशन भी जो है हम लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल्ड मिल ही जाता है। आपको इसे ओपन करना है, आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है मेरे फ़ोन में, आपको इसे ओपन कर लेना है। दोस्तों ये एप्लीकेशन भी जो है वो बेस्ट है एप्लीकेशन है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम जो फ़ोटोज़ हमारे फ़ोन से डिलीट कर देते हैं कई बार हम लोगों को यहाँ पर मिल ही जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ये चार फ़ोटोज़ मैंने डिलीट करे थे, वो चार फ़ोटोज़ मुझे वापस यहाँ पर मिल चुके हैं। किसी फ़ोटो को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, आपको शेयर बटन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको जो है सिंपली एक व्हाट्सअप को सिलेक्ट कर लेना है और अपने किसी पर्सनल कॉन्टैक्ट को सेंड कर देना है, जिसके बाद से गूगल फ़ोटोज़ के अंदर रखा हुआ फ़ोटोज़ आपके मोबाइल के अंदर जो है वो वापस से आ जाएगा और आप गैलरी के अंदर भी उस फोटो को वापस देख पाएंगे। तो दोस्तों ये जो तीन तरीके मैंने आपको बताए जिनका उपयोग करके आप अपने गैलरी से डिलीट हुए फ़ोटोज़ को वापस से फ्री में रिकवर कर सकते हैं, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है या हमारी ट्रिक पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारे इस कैसे करें टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। सो ओके गाइज, दिस इज़ कैसे करें टेक यूट्यूब चैनल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।